आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करके आयुष्मान कार्ड घर बैठे कैसे बना सकते हैं अगर आप मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर यहाँ आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा आप जाके देख लीजिएगा और वो वीडियो देख के आप मोबाइल से भी बना सकते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है बेसिकली इस वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नाम है बेनिफिशियरी डॉट एन एच ए डॉट जी ओ वी डॉट इन इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बेनिफिशरी आपको सेलेक्ट करना है जनरली ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है बट नहीं रहेगा तो आप सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है ठीक है जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा ओटीपी डालना है कैप्चा फिल करना है और लॉग इन पे क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्टेट स्कीम डिस्ट्रिक्ट और सर्च वाइज सेलेक्ट करना होता है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया स्कीम में पी एमजे ए वाई आपको सेलेक्ट करना है ठीक है इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और सर्च बाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं हम क्या करेंगे आधार नंबर के थ्रू सर्च करेंगे तो आधार नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है प्रॉपरली और उसके बाद यहाँ सर्च का आइकन है इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी पूरी फैमिली की डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है ठीक है क्योंकि ये आधार से सारी चीजें लिंक होती हैं तो आपकी फैमिली की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाती है अभी यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि किसका किसका कार्ड अप्रूव हो चुका है जिसका अप्रूव हो चुका है आप उसका डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे दो अप्रूव लिख रहा है तो दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है ये एक्शन जो दिख रहा है ना यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे क्लिक करके आप आधार ओटीपी डाल के डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो अगर आप सिर्फ डाउनलोड करना चाहते हैं अप्लाई आपने कर दिया है जो मैंने प्रोसेस अभी तक बताया है वो प्रोसेस फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है बट हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अप्लाई कैसे करना है ठीक है तो अप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली जो आइकन दिख रहा है ना यहाँ पे ये आपको क्लिक करना है यहाँ पे ई के वाई सी बेसिकली करना रहता है आपको मैं लास्ट वाले का कर रहा हूँ इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे आधार नंबर आ जाएगा उस पर्सन का जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है एक कंसेंट आता है उस पर टिक करके आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे वेरिफिकेशन के मतलब ऑथेंटिकेशन के आधार ओटीपी हम सेलेक्ट करेंगे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे मोबाइल पे दो ओटीपी आता है पहला जो आधार ओटीपी रहता है वो आता है मतलब आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आता है आधार ओटीपी आता है और बेनिफिशियरी मोबाइल ओटीपी आता है ठीक है दोनों अलग अलग ओटीपी होते हैं दोनों ओटीपी आपको डालना है और ऑथेंटिकेट करना है जैसे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वापस से पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है जिसका आप ई के वाई सी कर रहे हैं वो यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो आपको क्या करना है बेसिकली ई के वाई सी आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे ई वेरीफाई का ऑप्शन आता है इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे वापस से कंसेंट आता है वो आपको टिक करना है और अलाउ पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस ओटीपी आएगा दो ओटीपी दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे डालने हैं अलग अलग रहेगा ठीक है जैसे ही ओटीपी डालेंगे ठीक है स्क्रोल डाउन करके कुछ चीजें आपको ओपन हो जाएंगी जैसे यहाँ पे आपको आपका फोटोग्राफ कैप्चर करना होता है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप उसका कैमरा यूज करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं ठीक है थीके? मैचिंग स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है यहां पे लिखा गया है कि आप अगर आपका मैचिंग स्कोर जो है वो एटी से ज्यादा है तो दिस के ई के वाई सी रिक्वेस्ट विल बी ऑटो अप्रूवड ये ऑटो अप्रूव हो जाएगा ठीक है और आप डाउनलोड कर सकते हैं तुरंत जैसे सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगा आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो डाउनलोड कैसे करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको जैसे आप सबमिट करेंगे ना तो भी डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है थीके? हम स्कोर करके नीचे आएंगे यहाँ पे बोलता है कि आपके पास मोबाइल नंबर है यस करना है मोबाइल नंबर अपना डालना है वेरीफाई पे क्लिक करना है आपको ओ आएगा ओ डाल देना है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद आपको ईयर ऑफ बर्थ डालना है आपका जो रिलेशन क्या जो फैमिली हेड है उससे आपका रिलेशन क्या है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है बेसिकली पिन कोड आपको डालना है स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आता है यहाँ पे सिलेक्ट करना रूरल है या फिर अर्बन सेलेक्ट करने के बाद आपको सिटी के डिटेल्स यहाँ पे डालने पड़ते हैं कौन से सिटी में आप रहते हैं ठीक है सारी चीजें डालने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होता है जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाता है ई के वाई सी कंप्लीट हो गया है ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया आप जैसे ही ओके करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अगर 80 परसेंट से ज्यादा आपका मैचिंग स्कोर है तो अगर नहीं है तो एक दिन या फिर दो या तीन दिन मैक्सिमम लगते हैं और आप सेम प्रोसेस जो कि मैंने बताया डाउनलोड का प्रोसेस वही सेम प्रोसेस फॉलो करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे बेसिकली आपको अप्लाई करना है आयुष्मान कार्ड के लिए ये वीडियो अच्छी लगी है समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो आई बटन पर मैंने लिंक कर दिया है आप जाके देख सकते हैं और मोबाइल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट